शुभ दोपहर प्यारे बच्चों, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आपका इस ऑनलाइन प्रणाली तासिका में सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं विषय हिंदी कक्षा छठी के लिए पाठ क्रमांक 1 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने पाठ्य पुस्तक और अपनी अभ्यास पुस्तिका दोनों लेकर बैठे होंगे। पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, जरा सोचिए और उसके जवाब दीजिए। प्रातः सुबह जब हमारी नींद खुलती है तो हम कौन कौन सी आवाजें सुनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। प्रातः सुबह जब हमारी नींद खुलती है तो हम किसी की बोलने की आवाज़ सुनते हैं, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते हैं, गाड़ियों की आवाज़ें सुनते हैं, जी हाँ, और पंछियों की, चिड़िया की चहकने की आवाज़ सुनते हैं। जब शाम का, संध्या का समय होता है तो हमारे कानों पर कौन सी सुमधुर आवाज पड़ती है? बहुत अच्छा, चिड़िया की चहकने की, यानी कि चिड़िया आप सब जानते हो। जी हाँ, अच्छा, तो चिड़िया को आप सब लोग जानते हो। तो आपकी यह जो जानी पानी चिड़िया जो है, उस जानी मानी चिड़िया पर आधारित हमारा जो पाठ क्रमांक 1 है वह चिड़िया जो यह आज हम देखेंगे। वह चिड़िया जो, यह एक कविता है और इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी के हैं। वह चिड़िया जो, इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। यह जो कविता है, इस कविता में श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने स्वभाव में एक प्यारी सी चिड़िया को रचा है। देखिए, इस कविता में जो कवि ने कल्पना की है, वह कल्पना जो की है उन्होंने, उसके लिए उन्होंने एक चिड़िया को लिया है। और यह चिड़िया स्वभाव में कैसी है? जी हाँ, बिल्कुल प्यारी है। यह जो चिड़िया है, जिस प्रकार से वह स्वभाव में बहुत प्यारी है, उसी प्रकार उसका जो वर्णन है, वह वर्णन बताते समय उन्होंने कहा है कि यह जो चिड़िया है वह आकार में बहुत छोटी है। चिड़िया आकार में कैसी है? बहुत छोटी है। और उस चिड़िया के जो पंख हैं, वह पंख नीले रंग के हैं और अत्यंत सुंदर हैं। जैसे कि चिड़िया का आकार हो गया, उसके पंखों का रंग हो गया, उसी प्रकार कवि ने इस कविता में आगे यह बताया है कि यह जो चिड़िया है, उस चिड़िया को अधपके जुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है। जैसे कि आजकल हम जो बच्चे हैं, तो आप बच्चों को देखा जाए तो आपको डोसा, इडली, पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, ऐसे विविध खाद्य पदार्थों को खाने में रुचि है। परंतु यह जो छोटी सी चिड़िया है, इस चिड़िया को जुंडी के जो दाने होते हैं ना, वह दाने खाना काफ़ी पसंद है। यह जो चिड़िया है, वह चिड़िया मुक्त स्वर से, उन्मुक्त कंठ से, यानी कि मुक्त स्वर से वह क्या करती है? सुनसान जो पूरा घना जंगल है, उस घने जंगल में सुमधुर गीत गाती हैं। देखिए, यह जो चिड़िया है, वह चिड़िया जंगल में उत्साह पूर्वक गीत गाती हुई इधर उधर उड़ती रहती है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं, परंतु इन पंछियों का हम जैसे घर होता है? नहीं, ये पंछी किसी पेड़ पर घोंसला बना के रहते हैं या किसी घने जंगल में रहते हैं, या जहाँ पर खुली जगह मिलती है पेड़ पौधों में वह क्या करते हैं? अपने घोंसले बनाते हैं। परंतु आज की हमारी यह जो कविता है,
इस कविता में जो चिड़िया हमने ली है या कवि ने जिस चिड़िया को रचा है, वह चिड़िया कहाँ रहती है? घने जंगल में रहती है। और उस घने जंगल में रहने के बावजूद भी यह जो छोटी सी चिड़िया है वह कैसे रहती है? बहुत आनंद से रहती है, खुशी से रहती है और उत्साह पूर्वक वह क्या करती है? गीत गाते हुए इधर उधर उड़ती रहती है। वह एकांत में भी उमंग से रहती है। जैसे कि देखिए, हम काफ़ी काम करते हैं, थक जाते हैं, बहुत आवाज़ें शोर सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एकांत में रहना चाहिए। एकांत यानी कि हमें सिर्फ अकेले रहना है। तो जब हम अकेले में रहते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो चिड़िया है, उस चिड़िया को भी एकांत में रहना पसंद है। और एकांत में रहने के बावजूद भी यह चिड़िया जो है वह उमंग से यानी कि खुशी से, आनंद से रहती है। देखिए, यह जो चिड़िया है वह उफनती नदी से जल की बूंदों को अपनी चोंच में भरकर लाती है। अब देखिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी के मटके के पास जाते हैं और पानी पी लेते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। परंतु यह जो पंछी होते हैं उनके पास कोई पानी का मटका भरा हुआ नहीं रहता, तो यह लोग क्या करते हैं? बहते नदियां जो हैं या तालाब जो हैं, जो झरने हैं, उन झरनों का जल जो है वो प्राशन करते हैं या ग्रहण करते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। उसी प्रकार कविता में आई हुई जो यह छोटी सी प्यारी सी जो चिड़िया है, वह छोटी प्यारी चिड़िया क्या करती है? जो उफनती नदी है यानी कि जो तेज प्रवाह में बहने वाली नदी है, उसका जो बहता जल है, उस बहते जल में जल की जो बूंदे हैं, उन बूंदों को वह क्या करती है? अपनी चोंच में लेकर उसे ग्रहण करती है और अपनी प्यास बुझाती है। यह जो चिड़िया है, वह चिड़िया गर्व करने वाली और बहुत ही साहसी चिड़िया है। चिड़िया कैसी है? गर्व करने वाली और साहसी है। जैसे कि देखिए बच्चों, आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको अपने आप पर काफ़ी गर्व महसूस होता है। जैसे कि आपने परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किए, तो आपको काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मुझे कितने अंक मिले हैं? 90 अंक मिले हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जैसे गर्व महसूस होता है, उसी प्रकार यह जो छोटी सी चिड़िया है उसे भी क्या है? अपने आप पर काफ़ी गर्व है। और यह चिड़िया जो है वह काफ़ी साहसी है। उसे स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना पसंद है। देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना हर एक व्यक्ति को पसंद है। कोई किसी की बंदिशों में रहकर अपना जीवन जीना नहीं चाहता। हमें ऐसा लगता है कि किसी के बंधनों में आकर किसी के कहे के मुताबिक अपना जीवन बिताना यह अच्छा नहीं लगता। हम स्वतंत्र विचार से, स्वतंत्र मत से हमारा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जैसे इंसानों की सोच है, वैसे ही कवि ने यहाँ उस चिड़िया की भी सोच या उसके विचार हमारे सामने प्रयुक्त किए हैं। और यह जो चिड़िया है वह भी क्या करना चाहती है? स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीना चाहती है। किसी की बंदिशों में रहना उसे पसंद नहीं, उसे खुले आसमान में उड़ना पसंद है, ना बल्कि पिंजरे में रहना पसंद है। इस कविता में वह चिड़िया जो इस कविता में चिड़िया के माध्यम से कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो मनुष्य के अंदर होने वाले महत्वपूर्ण गुण हैं, उन गुणों का उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है, जो हम क्या करने वाले हैं? आगे देखने वाले हैं। बच्चों देखिए, मैं कविता की कुछ काव्य पंक्तियां, कुछ काव्यांश आपको पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती हैं, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए, यह जो काव्यांश पंक्तियां हैं वह मैं पुनः और एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती हैं, वह छोटी
संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इन काव्यांशों में जुंडी यहाँ शब्द आया है। आशा करती हूँ आप सब लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक खोली है तो वहाँ पर जुंडी इस शब्द को आप पेंसिल से अधोरेखांकित कीजिए और उसका अर्थ आगे लिख के लीजिए। जुंडी यानी कि जौ, गेहूं और बाजरे की बालियां। जुंडी यानी कि जौ, गेहूं और बाजरे की बालियां। प्रस्तुत जो काव्यांश है, उस प्रस्तुत काव्यांश में कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने इन पंक्तियों में एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से मानवीय गुणों का वर्णन किया है या मानवीय गुणों को प्रकट किया है। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य के अंदर उसके जो मानवीय गुण हैं वह काफ़ी सारे हैं। जैसे कि मनुष्य संतोषी होता है, कभी असंतोषी होता है, खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी कभी वह अपने आप में ही मस्त रहता है, कभी कभी उसे इस दुनिया से कोई लेन देन नहीं होता। मनुष्य के ऐसे अनेक मानवीय गुण हैं। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने इन काव्यांश पंक्तियों द्वारा यह जो छोटी सी चिड़िया है उसके माध्यम से मानवीय गुणों को प्रकट किया है। अब देखिए, कवि ने मानवीय गुणों को प्रकट करते समय जो यह छोटी सी चिड़िया है उसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। देखिए, हमारे अंदर भी यानी कि इंसानों के अंदर भी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि आप बच्चे हो, आप काफ़ी होशियार होते हो, तो होशियारी यह क्या हो गई, आपकी विशेषता हो गई। कुछ बच्चे चित्रकारिता अच्छी तरीके से कर लेते हैं, यानी कि चित्रकला उनकी काफ़ी अच्छी होती है। कुछ बच्चे कविताएं काफ़ी अच्छी तरीके से लिखते हैं और बोलते भी हैं या गाते भी हैं, तो वो उनकी विशेषता हो गई। हर एक व्यक्ति के अंदर उसकी कई सारी ऐसी विशेषताएँ होती हैं। तो उसी प्रकार यह जो चिड़िया है, उस चिड़िया के अंदर भी जो विशेषता है, उस विशेषता को कवि ने यहाँ बताया है। अब यह जो चिड़िया है उसकी विशेषता क्या है, देखिए कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने चिड़िया की जो विशेषता बताई है उसमें उन्होंने बताया है कि यह जो चिड़िया है वह चिड़िया जो है, चिड़िया की जो रुचि है और उसके स्वभाव के बारे में उन्होंने बताया है। रुचि यानी कि उसकी पसंद, उसे क्या पसंद है। यह जो चिड़िया है वह चिड़िया, उस चिड़िया को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वह किस प्रकार से अपनी पसंद दोहराती है या हमारे सामने रखती है, उसका स्वभाव किस प्रकार से है, यह सारी बातें उन्होंने क्या किया है, इस काव्यांश के द्वारा हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन प्रस्तुत पंक्तियों में चिड़िया जो है वह क्या कर रही है, स्वयं अपना परिचय दे रही है। चिड़िया क्या कर रही है, स्वयं अपना परिचय दे रही है। देखिए, अगर हम किसी से पहली बार मिलते हैं, किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो उन्हें हम जानते नहीं या पहचानते नहीं, ना उन्हें हमारे बारे में हमारा परिचय पता होता है, ना उनके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है। तब हम एक दूसरे को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा परिचय देते हैं। परिचय देते हैं है, यानी कि हम हमारे बारे में उन्हें बताते हैं, जैसे कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी पसंद नापसंद क्या है, हम आगे क्या करने वाले, ऐसे बहुत सारी बातें हम क्या करते हैं, हमारा परिचय देते समय सामने वाले को बताते हैं, ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान पहचान लें। अब देखिए, यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में हम इस चिड़िया के बारे में कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि चिड़िया को हमारे सामने मानवीय गुणों को प्रकट करने के लिए रचा है। इन काव्यांश पंक्तियों में यह चिड़िया जो है वह क्या कर रही है, स्वयं ही अपना परिचय दे रही है। चिड़िया स्वयं अपने बारे में बता रही है। कवि के अनुसार चिड़िया आकार में बहुत छोटी है और उसके जो पंख है
वह पंख क्या है? नीले रंग के हैं। चिड़िया आकार में कैसी है? अत्यंत छोटी है, और अत्यंत छोटी होने के बावजूद उसके पंखों का रंग कैसा है? नीला है। चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? नीला है। ठीक है, अब आगे देखिए, यह जो चिड़िया है, वह चिड़िया आकार में छोटी होने के बाद उसके रंगों का पंख, उसके जो पंख है वह कैसे है? नीले रंग के हैं, यह हमें पता चला। यह जो चिड़िया है, उस चिड़िया को अध पके जो जुंडी के दाने हैं, वह दाने खाना काफी पसंद है। मैंने पहले ही बताया कि जुंडी का मतलब क्या है, जौ, गेहूं और बाजरे की जो बालियां होती हैं। अब यह जो जौ, गेहूं और बाजरे की जो बालियां होती हैं, उनके जो अध पके दाने होते हैं, वह जो अध पके दाने होते हैं, वह दाने खाना यह जो चिड़िया है वह काफी पसंद करती है। यह जो अधपके दाने होते हैं वह बहुत रसीले होते हैं। अधपके दाने कैसे होते हैं? बिल्कुल सही, अधपके दाने बहुत रसीले होते हैं। तो यह दाने रसीले होते हैं, इसीलिए यह जो चिड़िया है उन्हें क्या करती है? रुचि से खा लेती है। चिड़िया जो है, उसे जो भी खाने को मिल जाता है उसे वह क्या करती है? खा लेती है। देखिए, चिड़िया को अधपके जुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है, परंतु हर समय पर यह अधपके जुंडी के दाने मिलना खाने के लिए संभव नहीं है। जब वह मिल जाते हैं तो उन्हें चिड़िया बहुत रुचि से खा लेती है, परंतु जिस समय उसे जुंडी के अधपके दाने नहीं मिलते, उस समय उसे खाने के लिए जो भी मिल जाता है उसे वह क्या करती है? रुचि से, आनंद से खा लेती है। उस चिड़िया को अनाज के दाने विशेष रूप से प्रिय हैं। देखिए, जैसे हमें खाने में पिज्जा, बर्गर, चाइनीज ये सारी चीजें पसंद होती है बच्चों को आमतौर पर, उसी प्रकार यह जो छोटी सी चिड़िया है, इस छोटी सी चिड़िया को यह जो अनाज के दाने हैं वह दाने विशेष रूप से प्रिय होते हैं। देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने अत्यंत सरल शब्दों का प्रयोग किया है। सरल शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने यह जो चिड़िया की पसंद नापसंद, उसका जो स्वभाव है वह बताया है। कवि ने आगे चलकर यह कहा है, चिड़िया के माध्यम से हमें संतोषी बने रहने के लिए कहा है। देखिए, यह जो काव्यांश पंक्तियां हैं, इन काव्यांश पंक्तियों द्वारा कवि हमें संतोषी बने रहने की सीख दे रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने चिड़िया का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि यह जो चिड़िया है, उसे विशेष रूप से जुंडी के जो अधपके दाने हैं वह खाना अत्यंत प्रिय है या पसंद है, परंतु परिस्थिति के अनुसार अगर उसे वह दाने नहीं मिलते हैं तो खाने के लिए उसे जो भी मिल जाए वह क्या करती है? उसे अत्यंत रुचि से और संतोष से ग्रहण कर लेती है। वह ऐसा नहीं सोचती कि मुझे अधपके जुंडी के दाने नहीं मिले हैं तो मैं खाऊंगी नहीं। उसे खाने के लिए जो भी मिल जाए उसे वह ग्रहण करती है और संतोषी से रहती है या संतोषी रह जाती है। कवि ने हमें यही सीख दी है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, हर परिस्थिति में, हर हालात में हमें खुश रहना चाहिए, आनंदी रहना चाहिए। जो नहीं है उसका अफसोस करते हुए आए हुए पलों को हमें गवाना नहीं चाहिए, बीते हुए पलों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। आज के जो पल हैं या आने वाले जो पल हैं, उन पलों को हम कैसे खुशी से बिताएं और हम कैसे संतोष से रहे, यह हमें सोचना चाहिए। चिड़िया जैसे हर हालात में खुश रहती है, खाने के लिए मिले ना मिले, जो भी उसे खाने के लिए मिलता है उसे वह ग्रहण करती है, खा लेती है और संतोषी रह जाती है, वह कभी जिद नहीं करती। तो मनुष्य स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें हर हालात में,
हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में क्या होना चाहिए? संतोष से रहना चाहिए या सुख से रहना चाहिए। तो अभी हमने जो काव्यांश पंक्तियां देखी है, उस काव्यांश पंक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? जी हाँ, हमें इन काव्यांश पंक्तियों से यह सीख मिलती है कि हमें संतोषी बने रहना चाहिए, हमें हमेशा सुख से रहना चाहिए, हमें कभी दुख नहीं करना चाहिए और कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा, अब देखिए हम कविता की आगे की काव्यांश पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। आगे की जो काव्यांश पंक्तियां हैं वह इस प्रकार से हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। पुनः एक बार मैं काव्य पंक्तियां दोहराती हूं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यह जो काव्यांश पंक्तियां हैं इनमें जो कठिन शब्दार्थ हैं वह इस प्रकार से हैं। देखिए, आपने पाठ्य पुस्तक खोला है, उसमें इन शब्दों के नीचे अधोरेखांकित कीजिए और उसके आगे उनके शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। पहला है कंठ। कंठ यानी हमारा गला। दूसरा है वन। वन यानी जंगल, अरण्य। तीसरा है विजन। विजन यानी एकांत। एकांत यानी अकेले रहना या अकेले होना। अब देखिए, प्रस्तुत जो काव्यांश पंक्तियां हैं इसमें कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने छोटी चिड़िया के गायन की विशेषता बताई है। पहली काव्यांश पंक्तियों में उन्होंने चिड़िया के संतोषी होने की विशेषता बताई, परंतु अभी वह क्या कर रहे हैं, इस काव्यांश में जो चिड़िया है उसकी गायन की विशेषता बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि छोटी चिड़िया मधुर स्वर में मुक्त कंठ से गाती है। यह जो छोटी सी चिड़िया है वह क्या कर रही है, मधुर स्वर में यानी कि मीठी आवाज में और मुक्त कंठ से यानी कि खुले दिल से क्या कर रही है, गीत गा रही है। अब चिड़िया जो है जब वह मधुर स्वर से गीत गा रही है, मुक्त कंठ से गीत गा रही है, तो यह चिड़िया कहाँ गीत गा रही है? बिल्कुल सही, यह चिड़िया क्या कर रही है, जंगल में गीत गा रही है। चिड़िया के यह जो गीत है वह गीत जंगल में रहने वाले लोगों को क्या होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वह बोलने सीखता है तो वह कुछ स्वर बोलता है या कुछ शब्द बोलता है, तो माता पिताओं को, अपने परिवारजनों को उसके स्वर सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, वह मनभावक लगते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो चिड़िया है, वह चिड़िया जब जंगल में रहने वालों के लिए वह गीत गाती है तो वह गीत उन्हें क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। चिड़िया के मधुर जो गीत हैं वह मधुर गीत बूढ़े वन बाबा को उसने समर्पित किया है। जैसे कि हम कोई किताब देखते हैं या कोई लेख देखते हैं या कोई कविता देखते हैं तो उसके नीचे या उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है कि यह पिताजी को समर्पित है या यह मेरे प्रिय माताजी को समर्पित है। समर्पित यानी कि उनके लिए, केवल उनके लिए है। तो यह जो चिड़िया है वह जो यह गीत गा रही है जंगल में, तो उसका यह जो मधुर मीठा जो गीत है वह गीत बूढ़े वन बाबा को उसने समर्पित किया है। जो वह वन है वह काफी पुराना है
और काफी घना है, इसीलिए कवि ने घने पुराने वन को बूढ़े वन बाबा कहा है। कवि कहता है कि चिड़िया छोटी है और उसके पंख नीले रंग के हैं। देखिए कवि पुनः यहाँ यह बात दोहराता है कि कविता में आई हुई जो चिड़िया है वह चिड़िया कैसी है, अत्यंत छोटी है और उसके पंख नीले रंग के हैं। देखिए और एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ या बताती हूँ कि चिड़िया जो मधुर गीत गाती है वह मधुर गीत उसके किस उसने किसके लिए गाए हैं या किसको समर्पित किए हैं, बूढ़े वन बाबा को समर्पित किए हैं। और यह जो बूढ़ा वन बाबा है वह कौन है, तो कवि कल्पना के अनुसार चिड़िया जिस वन में रहती है वह वन कैसा है, बहुत ही पुराना है और घना वन है, और उस पुराने घने वन को ही बूढ़े वन बाबा कहा गया है। यानी कि मधुर स्वर में मुक्त कंठ से चिड़िया का यह जो गीत गाया गया है वह किसके लिए गाया गया है, वह बूढ़े वन बाबा के लिए गाया गया है या उनको समर्पित किया है। यानी कि उस जो घना जंगल है उसके लिए उसने वह अपना गीत समर्पित किया है। कवि आगे चलकर यह कहता है कि यह जो छोटी चिड़िया है, जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, वह चिड़िया क्या हो जाती है, सबको हमें अच्छी लगती है, हमारी जानी पहचानी चिड़िया है। देखिए आज आप लोग मुझे सुन रहे हो या देख रहे हो, आप में से कोई बालक या कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो चिड़िया को नहीं जानता होगा। कोई है आप में से ऐसा जो चिड़िया को नहीं जानता है? सब लोग जानते हो ना चिड़िया को। यानी कि हम रोज क्या करते हैं, हमारी दैनंदिन जीवन में हम चिड़िया को देखते हैं, उसकी चहचहाट को सुनते हैं और उसकी चहचहाट सुनकर हमें काफी अच्छा लगता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो यह जो कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वह हमें यह बताते हैं कि यह जो चिड़िया है वह चिड़िया हमें कैसी लगती है, जानी पहचानी लगती है, और जानी पहचानी लगने के बावजूद यह जो चिड़िया है वह चिड़िया हमें कैसी लगती है, काफी अच्छी लगती है। चिड़िया को एकांत बहुत प्रिय है। चिड़िया को क्या प्रिय है, एकांत काफी प्रिय है। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सबको क्या प्रिय होता है, अकेले रहना प्रिय होता है। सबके साथ शोर में रहने से अच्छा हम क्या करते हैं, अकेले में एकांत में रहना पसंद करते हैं। और अकेले और एकांत में रहकर अगर हम पढ़ाई करते हैं, हमारा कोई कार्य करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, और एकांत में रहकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो आपके दिमाग में भी ज़्यादा रहेगी। तो जो कवि हैं वह हमें आगे चलकर यह बताते हैं कि यह जो चिड़िया है उस चिड़िया को एकांत बहुत प्रिय है, और एकांत बहुत प्रिय होने के बावजूद भी वह क्या करती है, उस घने जंगल में अपने मधुर गीत गाती है। कभी आगे चलकर यह बताते हैं कि चिड़िया के माध्यम से हमें प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देते हैं। हमें क्या संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। देखिए यह जो छोटी सी चिड़िया है परंतु वह जो मधुर गीत गाती है वह किसके लिए गाती है, बूढ़े वन बाबा के लिए, यानी कि जंगल में रहने वाले सारे लोगों के लिए, उस जंगल के लिए वह अपना मधुर गीत गाती है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल सही, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अगर हमने पेड़ पौधे लगाए हैं तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें समय पर पानी देना चाहिए। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो हम उसके ज़रिए हम हमारा खुद का संरक्षण करते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं ना, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो देखिए अगर हम पर्यावरण संरक्षण करते हैं तो हम पर्याय से क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी का संरक्षण करते हैं। हम अगर प्रकृति से प्रेम करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उससे हम प्रदूषण रोक सकते हैं,
जो बाढ़ आती है, जो प्राकृतिक प्राकृतिक समस्याएं आती है, उनको हम रोक सकते हैं काफी मात्रा में। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। आशा करती हूँ आप भी इस काव्यांश से प्रेरणा लेकर हर एक मेरा बच्चा अपने घर में हर एक पौधा लगाएगा। लगाओगे ना? अच्छा, और सिर्फ पौधा लगाकर उसे छोड़ना नहीं है, उसका क्या करना है, उस पौधे की देखभाल करनी है, उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, ये जिम्मा आपका। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर के आंगन में एक पौधा लगाओगे। आज हमने वह चिड़िया जो इस कविता के माध्यम से यह संदेश देखा या हमें यह सीख मिली कि हमें क्या करना चाहिए, हर हाल में संतोषी रहना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ आज मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे WhatsApp ग्रुप पे आपकी जो भी दिक्कतें हैं या जो आपको भाग समझ में नहीं आया है वह आप मुझे पूछ सकते हैं। आगे की जो कविता है वह हम क्या करेंगे, हमारे अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।